कोई भी गलत चीज़ होती है तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के आप सभी से यही विनती करूंगा, सारे धर्म सारे मजहब वाले लोग जो हैं वो एक साथ आएं और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए है ना आवाज उठाएं। क्यों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को राम राम। के बस व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं और व्लॉग आज का चालू हो रहा है शाम के 6:10 पे और मैं अपने काम काज से फ्री हो गया हूँ और जस्ट अभी निकला हूँ मानसरोवर से और सीधे देखने जा रहा हूँ फिल्म, क्योंकि कल तो अपनी रह गई थी, देख नहीं पाए थे। तो देखते हैं बस यार आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं कि बस टाइम पे थिएटर पहुंच जाते हैं नहीं पहुंच जाते हैं। वैसे तो आज टाइम बड़ा है तो आई होप सो कि पहुंच जाए। गोल्डन आर देख लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है यार, क्या बढ़िया एकदम शानदार नज़ारा आ रहा है इस वक्त। यार मानसून सीजन फुल ऑन पीक पे है, हर जगह क्या है कि गड्ढे बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि जल भराव हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि सरकारों को तो हमेशा से क्या है कि आप मतलब इतना सूझबूझ होनी चाहिए कि भैया जैसे ही मानसून सीजन आ रहा है उससे पहले ही सड़कों को जो भी रिपेयरिंग वगैरह है मतलब खोद के और ढंग से उसको है ना कुरेद के। वैसे तो मैं क्या यार ज़्यादातर है ना रिक्लाइनर से लेता हूँ क्योंकि आराम से यार कंफर्टेबल मतलब कभी कभी मूवी देखनी होती है तो यार कंफर्टेबली देख लो। आ गए अपन यार, फटाफट से चलो फटाफट से। तो जी मैं आया यार अजमेर 92 मूवी देखने और अभी तक मूवी का इंटरमिशन हो चुका है और अभी तक की मूवी जो अच्छी लग रही है लेकिन यार ज़्यादा लोग आए नहीं है, टोटल अभी समथिंग अराउंड 30 से 35 लोग आए, 30-35 सीट्स ऑक्यूपाइड हैं और देख करके बड़ा बुरा लगा कि यार लोग देखने आ नहीं रहे। देखने आना चाहिए लोगों को क्योंकि इतनी कम सीट्स अगर ऑक्यूपाई होंगी तो फिर प्रोड्यूसर्स वगैरह के जो ह्यूज लॉसेज होंगे और जो कि यार अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर किसी भी है ना टॉपिक के ऊपर अगर मूवी आती है ना तो फिर उस मूवी को सपोर्ट करना चाहिए, एटलीस्ट उस कॉज को देखना चाहिए कि किस कॉज के ऊपर है, क्या चीज़ है, क्यों बनाई गई है और उसके बारे में यार अगर कोई तथ्यों के ऊपर काम कर रहा है ना, रिसर्च कर रहा है तो यार सपोर्ट करिए यार। अजमेर 92 अजमेर बाण में मूवी देख करके जस्ट अभी मैं ना गाड़ी में आकर के बैठा हूँ और मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ जी इस मूवी से किसी भी धार्मिक भावना जो है कोई भी आहत हो किसी की भी, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, केरला स्टोरी के टाइम पर भी मैंने केरला फाइल्स जो था उसके टाइम पर भी कहा था, आज भी मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा मेरे वीडियो के द्वारा कि हाँ भाई अगर जब बहन बेटियों के साथ ऐसा कोई अत्याचार होता है, कोई भी इतना घिनौना हत्याकांड होता है, क्योंकि ये जो था पूरा का पूरा बहुत बड़ा जो एक है ना मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, मेरे को तो वर्ड्स भी नहीं मिल रहे। बहन बेटियाँ जो है हमारी उन्होंने है ना इतनी सारी है ना सामूहिक रूप से है ना आत्मदाह किया था, तो इससे क्या होता है ना कि है ना मानवता जो है ना मानवता को ठेस पहुँचती है मेनली। और जब भी इस है ना संसार के अंदर बहन बेटियों की इज्जतों के साथ में है ना ऐसे खिलवाड़ होगा ना, तब तक प्रकृति के अंदर जो है ना मतलब बार बार प्रकृति प्रलय लाएगी और आप लोग अभी खुद भी देख रहे हैं कि बाढ़ आ रही है, सब कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये धीरे 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 जो है ना हम लोग जो है ना मतलब बहन बेटियों के साथ जो बहुत ज़्यादा आजकल अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं हर एक प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर महिलाओं की इज्जत उतनी बाकी नहीं रह गई है, जबकि भारत देश जो है यहाँ पर जो है ना हमेशा से हमारी बहन बेटियों का सम्मान सबसे ऊपर सर्वोपरि रखा गया था। तो इस वजह से अजमेर 92 का मैंने पब्लिक रिएक्शन इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि पब्लिक थी नहीं यार, अटके बड़ा ही बेकार लगा कि यार लोगों को देखने आना चाहिए यार, वरना कोई भी ऐसे मुद्दे के ऊपर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मूवी कैसे बना पाएंगे। आप लोग ज़रूर देखने जाएं, कोई भी गलत चीज़ होती है तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के आप सभी से यही विनती करूँगा, सारे धर्म सारे मजहब वाले लोग जो हैं वो एक साथ आएँ और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए है ना आवाज़ उठाएँ। क्यों, क्योंकि बहन बेटी आपकी जैसी है वैसे हमारी है और जैसी हमारी है वैसे ही आपकी है, किसी बहन बेटी के है ना मुद्दे के अंदर अपने मजहब को धर्म को ना घुसाएं। जी नहीं आता है, देखो अरे यार कितना ज़्यादा धुआं छोड़ रही है, देखो कितना ज़्यादा धुआं छोड़ रही है। मैं हूँ यार विद्याधर नगर के अंदर और राधे बेकर्स का समोसा खाने का मन हो रहा था यार बहुत दिन से, लेकिन इसका तो नहीं नहीं खुला है अभी। बढ़िया समोसा देते हैं यार राधे बेकर वाले यार, हालांकि बाहर का खाना मैंने टोटल बंद कर दिया था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यार समोसा इनका काफ़ी लाइट होता है तो ये खाते हुए चलते हैं यार। इनका जो राधे बेकर वालों का है ना मसाला काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है तो यार इस वजह से एक समोसा इनका ट्राई करते हुए चल लेते हैं, देखते हैं इस टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा। 9:30 बज गए यार ऑलरेडी, मिल जाए तो बढ़िया है यार, नहीं तो कोई बात नहीं खाएंगे अपन। समोसा हो गया है खत्म यार, कोई बात नहीं, चलो मेरे को लग ही रहा था 9:30 बज गए हैं अब तो कहाँ समोसा मिलेगा, तो बस घर पे चलते हैं यार, घर का ही खाना खाएंगे बढ़िया। वैसे तो घर का ही खाना खाता समोसे के बाद में भी, लेकिन क्या है कि यार समोसा इसलिए कि ठीक है यार बढ़िया लाइट सा समोसा देते हैं, चटनी वटनी में डालता नहीं क्योंकि मीठा बंद कर रखा है मैंने और वैसे तो बाहर का भी बंद है। आप लोग कहोगे बोले यार पागल आदमी बाहर का बंद बोल के खा लेता है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं है, जो गुजरात ट्रिप पे था तभी खाया मैंने और ठीक है यार तब भी सब्जी रोटी खाने की कोशिश थी। ये रोड की ब्यूटीफुल हालत देखो यार आप, बाइक वाले की बाइक रुक गई देखो बीच में गड्ढे के चक्कर में, कितनी खूबसूरत हो रखी है, देखो रोड दिखाऊं आपको,
मजा आ रहा है देख के। देखो ये क्या बात है, क्या बात है। देखो अब इस पे भी क्या है, इतने बहाने दे देंगे ना यार, पूछो मत। अबे क्या बहाने दोगे यार, मैं कम से कम 1.5 साल से, 1 से 1.5 साल से तो अपने हर दूसरे वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं, और दूसरा जहाँ जहाँ वीडियो मैंने दिखाया भी नहीं ना, तब भी मेरे पास इतनी सारी क्लिप्स पड़ी हुई हैं। तब से अब तक क्या बनने की तुम्हारे को सूझी नहीं क्या यार? नहीं बनाई ना। आप लोगों ने भी कितनी बार ऑब्जर्व किया होगा। तो क्या है कि यार पहले तो जानबूझ के नहीं बनाते, आगे भी गाड़ियाँ धीरे चल रही हैं। जी देखो गाड़ियाँ कितने धीरे धीरे चल रही हैं गड्ढों के चक्कर में। देखो मेरी गाड़ी भी धीरे हुई। 2, 3, 4 इन भाई साहब ने हेलमेट लगा नहीं रखी है और फोन भी साथ साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। महादेव के भक्त, महादेव के भक्त जाते हुए दिखे। हरर महादेव, हरर महादेव भाइयों, हरर महादेव। कहाँ पे चढ़ाओगे कावड़? मेला बगरू मेला। और ला कहाँ से रहे हो? गलता गेट से। तो गलता गेट से बगरू मेला कितना दूर पड़ता है? 70 किलोमीटर। कभी आराम कर रहे हो? दूसरों ने पकड़ रखा होगा कावड़? नहीं नहीं, ये रखे। अच्छा अच्छा ऐसे कर देते हो, है ना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव भाई, बम बम बोले, बम बोले। मेला तक जाओगे सारे भाई लोग, सारे के सारे? जय महाकाल, जय महाकाल भाई, जय महाकाल। तो जी बहुत अच्छा लगा मिलके कावड़ियों से, कावड़ यात्रियों से भी मिलना हो गया। और इनको भोले भी बोलते हैं। तो भोले इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या है, सारे के सारे भोले के भक्त हैं। और कावड़ ये कौन होते हैं अगर आप लोगों को पता नहीं है, वैसे तो देखिए भारतवर्ष के अंदर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आप लोगों को ज़रूर से पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि सावन महीने के अंदर, जो सावन का महीना होता है, उसके अंदर जो जल अभिषेक करने के लिए जो कावड़िए, जो मतलब जिनको अपन भोले के भक्त कावड़िए बोलते हैं, ये लोग क्या है कि जल कहीं से भी, जैसे यहाँ पे गलता जी से लेकर के आ रहे हैं, गलता जी भी क्या है एक तरीके का छोटा सा कुंड है, तो वहाँ से आपने जल भरा अपने जो कलश होता है उसके अंदर, कलश के अंदर जल भर के और फिर कहीं भी यात्रा करके 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जितनी भी जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, ये लोग करीब करीब 70 किलोमीटर जा रहे हैं जैसा कि आप लोगों ने सुना। तो वहाँ जा करके ये लोग है ना सीधे बगरू महला के अंदर जल अर्पण करेंगे और वहाँ पे कोई भोलेनाथ का जरूर मंदिर होगा अच्छा, तो वहाँ पे जल अर्पण करके और फिर भोले का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम सुकून का और बहुत है ना आशीर्वाद प्राप्त करने का काम है सावन के अंदर। जो भी आपकी मनोकामना होती है ना, भोलेनाथ से मांगते हैं, भोले से मांगते हैं, वो ज़रूर वो पूर्ण करते हैं। इस वजह से क्या है, जिन जिन की है ना मतलब इच्छाएँ मनोकामनाएँ पूरी हुई होती है ना, वो ज़्यादातर है ना कावड़ी आपको मिलेंगे। और कई बार इसका अपोजिट भी होता है कि हाँ जी मैं, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिए भोलेनाथ जी, तो इस वजह से मैं कावड़ चढ़ाने जा रहा हूँ। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं। बालाजी महाराज के दर्शन के साथ मैं आज के व्लॉग को समाप्त करते हैं और बस मैं आप लोगों से सभी से ये कहना चाहूँगा कि अजमेर बाढ़ में अजमेर 92 मूवी देखने ज़रूर से जाएँ। जय श्री राम। अगर व्लॉग आपने यहाँ तक का देखा है ना तो लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा। जो भी व्लॉग आपको पसंद आता है ना, उसको ज़रूर से अपने परिचित अपने है ना दोस्तों के बीच में शेयर करें। चुनाव आने को 3 महीने बाकी हैं, इस वजह से देखो काम चालू हो गया है इनका। सिविल लाइंस वाला जो गड्ढा था ना, सिविल लाइंस चौराहे पे, मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखो काम चल रहा है यहाँ पे। 3 महीने चुनाव को बाकी हैं इसलिए काम कर रहे हैं भाई साहब, और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है। ये जो जयमहल पैलेस जो होटल है ना, जयमहल वाली जो रोड है, ये आज तक मैं पिछले है ना 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर देख रहा हूँ, इसके जो सिविल लाइन वाले जितने भी ढक्कन होते हैं ना बीच बीच में रोड पे, इनके साथ साथ है ना जितनी भी रोड बीच में अप डाउन हुई हुई थी। क्यों? क्योंकि शुरुआत में बारिश आई थी आज से 1.5 साल पहले, जब भी बारिश हुई थी, मैं कितने व्लॉग्स में बोल चुका हूँ तो आज नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो क्या है कि उसके बाद में रोड बनी थी, थोड़ी बहुत बनी, और जिस तरीके से इसको रोड को बनाया था ना, गड्ढे और भी ख़राब हो गए थे। फिर ये जो सिविल लाइन चौराहे पे जो गड्ढा था, इसको भी हो गए होंगे आराम से 4-5 महीने पहले, थोड़ा सा दिखता था, अब ज़्यादा दिखने लग गया था। और ज़्यादा दिखते हुए भी कितने लोग रोज़ देखते थे, लेकिन क्या है कि लोग आँख पर पट्टी बांधे रखते हैं और फिर भी उसके बाद में अगर बोलते हैं ना लोग कि यार मैं किसी सरकार के खिलाफ हूँ और किसी के, तो भाई साहब अंधभक्त तो असली है ना, फिर ऐसे लोगों को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सामने दिख रहा है उसके बाद भी ना बोलो तो फिर क्या ही कहने। जय श्री राम।